हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई देखिए, सब लोग की पढ़ाई तो चल ही रही है, मुझे पता है। ठीक है, एक चिंता का विषय ये है कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम था, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के एग्जाम्स तो चल रहे थे। 19 अप्रैल के बाद से जितने भी एग्जाम थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो आगे आने वाले, जिन लोगों के एग्जाम रह गए थे जो नहीं हो पाए, उनके तो एग्जाम्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो लोग 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की वजह से, बीमार होने की वजह से, या कर्फ्यू लगने की वजह से, या उन्हें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से जो लोग एग्जाम देने नहीं जा पाए, उन लोगों का भी एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में गाइज जो अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। और अपडेट ये है कि 17 मई के बाद, ठीक है, मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपके पास डेट्स आना जो है वो शुरू हो जाएंगे, और बता दिया जाएगा कि जो भी एग्जाम है, जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैं या जिनके जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स कब होंगे, या जो स्टूडेंट्स नहीं दे पाए हैं एग्जाम, जो रह गए थे पैंडेमिक की वजह से, उनका एग्जाम कब होगा, या सारी चीजें वो ऑफिशियल अपडेट पे आप लोगों को बता दिया जाएगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे ही इसके बारे में अभी रिसेंटली में कोई भी न्यू अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी।